बोलूंगा कि वो रॉक कर देगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की कि बिग बॉस में धमाल करने वाली है इनका। और जो उसकी रियल पर्सनैलिटी है बहुत बेबाक है, बहुत वो ऐसी है कि अगर आपकी बॉन्डिंग उसके साथ बन गई, मैंने उसको, और बहुत रिलैक्स है वो दिमाग से, वो हावी नहीं होने देती चीज़ों को, ये सबसे अच्छी बात है उसकी। कि मैंने कई सिचुएशन में अपने आप को वैसे देखा कि मैं प्रेशर ले लेता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, नहीं उस वो आएगी, वो अपना काम करेगी, वो पार्टी भी करेगी, कोई प्रेशर नहीं है, वो ब्लेस्ड है। तो ईशा के लिए मेरी विशेज यही है कि वही जीत के आएगी, और इस बात को बोलने के लिए जो मुझे 1500 रुपए देने वाली है वो मैं उससे ले लूंगा। ईशा, ओह गॉड, दिस पर्सन, दिस मैन हितेश इज like Hitesh is very very close to me यार, क्या बोल रहा है तू हितेश, if you are watching this interview, what is this माजी छुटकी? So yeah, Hitesh बहुत close है मुझसे, I can't deny the fact, and he is very good friend of mine। मतलब मुझे बहुत time बाद एक ऐसा दोस्त मिला, मैं उससे चीज़ें share कर सकती हूँ, मैं उसको कुछ भी बता सकती हूँ, और वो इतना मज़े लेता है ना मेरे, बिकॉज ही सो नॉटी समटाइम्स, कि अच्छा हो इसको पता है कि अरे अभी तो मेरा तो पैकअप हो गया, बट शी इज़ गोइंग टू कंटिन्यू, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो पैकअप, यू कंटिन्यू शूटिंग। आई वॉज लाइक यार ठीक है तू जा, जब तू कल तू लेट तक रुकेगा देन आई विल सी। मतलब हमारे बीच में वो को एक्टर वाला बॉन्डिंग इट इज़ नॉट देयर एनी मोर, वी आर फ्रेंड्स। लाइक नाउ एकम एंड हरलीन आर नॉट फ्रेंड्स, हितेश एंड ईशा आर वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड बहुत सपोर्ट करता है मुझे, बहुत मुझे भी उसकी कुछ बातें, कुछ टीचिंग्स बहुत पसंद है, एंड उसे भी मेरी पसंद है। सो या बहुत अच्छा एक बॉन्ड है हम दोनों के बीच में।